अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पहला कलमा और इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे। तो चलिए आप सब मेरे साथ पढ़िए। पहला कलमा तोयब, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 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 पहला कलमा तोयब, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तोयब, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तोयब, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तोयब, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इल्म में इजाफे की दुआ, इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब, मेरे इल्म में
इजाफा फरमा, इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 12 में आपको वेलकम कहते हैं और इंग्लिश का पीरियड शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है ना आपकी इंग्लिश की बुक, न्यू एक्टिव इंग्लिश। अब आप अपनी ये न्यू एक्टिव इंग्लिश की बुक खोलेंगे। जी स्टूडेंट, कल हमने देखा डे 12 पे मंसूर ने कहा आई एम मंसूर, आई एम अ बॉय, सारा ने कहा आई एम गर्ल, आई एम सारा खान, आई एम अ गर्ल। अब ये कह रहा है कौन? जमील। पढ़ा ना आपने जमील के बारे में पीछे, आई एम जमील, ये जमील था ना, आई एम जमील, आई एम जमील, मैं जमील हूँ, आई एम जमील, आई एम अ बॉय, ये वही वर्ड है जो आप पीछे पर बॉय पढ़ चुके हैं ना, पूरा सेंटेंस ही वही है, आई एम जमील, आई एम अ बॉय, आई एम जमील, आई एम अ बॉय, मैं जमील हूँ और मैं एक लड़का हूँ, आई एम जमील, आई एम अ बॉय, आई एम जमील, आई एम अ बॉय, आई एम जमील, I am a boy. ठीक है, आगे देखें, आगे कौन है? I am उज़्मा, है ना, ये उज़्मा थी ना, I am उज़्मा, I am उज़्मा, I am a girl. 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 G-I-R-L, girl. G-I-R-L, girl. I am उज़्मा, I am a girl. ठीक है, ये दो हमने पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे इन वर्ड्स को जो कि F से शुरू होंगे। ठीक है, फ की साउंड निकालता है, हम ये तीनों वर्ड पढ़ चुके हैं। देखें ये क्या थी, फ्लाई, फ्लाई क्या है, फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई, फ्लाई, ये क्या थी, फिश, एफ आई एस एच, 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 फिश, फ्लॉर, फ्लॉर, F L O W E R, floor. F L O W E R, floor. 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 F L O W E R, floor. Fly. Fish. Floor. Fly. Fish. Floor. तो ये F से बनने वाले आपने ये वर्ड्स भी याद करने हैं। याद रखिएगा, इसके बाद हमने इसके मुख्तलिफ अल्फाबेट लेटर से लिखने वाले वर्ड्स लिखने हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। तो ये तो था हमारा आज का काम, रीडिंग का काम। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेम्स ऑफ फ्रूट का आखिरी फ्रूट लिख रहे हैं, और ये है, क्या है, आप सबको पसंद है ना, बनाना। ठीक है, बी ए एन ए एन ए, बनाना, 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 ये आप याद कर चुके हैं, ये सिर्फ लिखा नहीं था तो हमने आपको ये लिख के दे दिया। अब आप अपनी नोटबुक पे इस पूरी पेज पर ये बनाना बनाना लिखेंगे और साथ इसको ड्रॉ भी करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए हमने आपके सामने ड्रॉ कर दिया, आप इसको ड्रॉ कीजिए और इसके बाद इसके ऊपर जो है वो येलो कलर कीजिए। बनाना के येलो कलर के होते हैं लेकिन उसके अंदर लाइन्स होती है ना, ब्लैक कलर्स की होती है ना दरमियान में कुछ, तो वो भी आपको डाल देते हैं ब्लैक कलर्स की लाइंस बनाना के अंदर। ठीक है, ये ऐसे एक एक लाइन जो है वो हमने बनाना के अंदर येलो कलर की
डाल दी। और सबके जो पत्ते होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? जी जनाब, ये होते हैं ग्रीन कलर के। ठीक है, तो ये हो गया आपका बनाना कंप्लीट। तो आपने बनाना को लिखना है, याद करना है, ड्रॉ करना है एंड कलर करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं, देखें जरा हम क्या आपको इतने कलरफुल नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, कितने खूबसूरत कलरफुल क्या नजर आ रहे हैं आपको? फ्रूट्स, क्या नजर आ रहे हैं? फ्रूट्स नजर आ रहे हैं। अच्छे लगते हैं ना सबको फ्रूट्स? तो अभी मैं आपको दिखा रही हूं और आपको पढ़ा रही हूं, आप मेरे साथ साथ पढ़ें और फिर इसको याद भी करेंगे। अच्छा, ये क्या है? ये है रेड, रेड एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल, 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 ए डबल पी एल ई, एप्पल, एप्पल। ये क्या है? वी, इतना खूबसूरत, इतना पल्पी, ऑरेंज, 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 ओ आर ए एन जी ई, 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 ऑरेंज। तो ये क्या है इतना खूबसूरत सा, इतना पल्पी, आप खाते हैं ना ऑरेंज? अब ये क्या है? मैंगो, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं मैंगो, तो मैंगो का मौसम भी आ रहा है ना। मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो, एम ए एन मै जी ओ गो, मैंगो, मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो, मैंगो, मैंगो। आप देखें ये क्या है? जी, ये हैं ग्रेप्स। क्या हैं? ग्रेप्स, 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 जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स, जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स, जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स, ग्रेप्स। जनाब, तो ये है क्या आखिर में बना हुआ बहुत ही प्यारा सा बनाना, बनाना। खाते हैं ना हम लोग बनाना? सब लोग इतने शौक से बच्चे खाते हैं बनाना, कभी शेक पीते हैं, कभी वैसे ही खा जाते हैं बनाना। बी ए एन ए, एन ए, बनाना, बी ए एन ए, एन ए, बनाना, बी ए एन ए, एन ए, बनाना, बनाना, बनाना। जनाब, अब आपने बच्चों इसको अच्छे तरीके से नाम याद करने हैं, एक दफा फिर पढ़ लें। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना। तो ये अभी हम आपको रोज पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज डे 12 में हम मैथमेटिक्स की पीरियड पे देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। आए अपनी मैथमेटिक्स की बुक देखते।
जी स्टूडेंट्स, ये है आपकी मैथमेटिक्स की बुक। नाम है इसका ऑक्सफर्ड न्यू काउंटडाउन प्रीमियर बी थर्ड एडिशन। इस बुक को देखिए कितनी कलरफुल है और ये यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग बुक होगी। आए देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। यस स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक ऑफ मैथमेटिक्स पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 आज हम क्या सीखेंगे? 7। क्या सीखेंगे? 7। लेट्स काउंट। ये क्या है? स्टार्स है। काउंट करते हैं, देखते हैं कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7 के स्पेलिंग्स क्या है स्टूडेंट्स? SEVEN, 7, SEVEN, 7। अब आपके लिए मैं इसे डॉट्स के ऊपर लिख भी देती हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने इन्हें डॉट्स को कैसे ज्वाइन करना है और लिखना है। SEVEN, 7। अब इससे नेक्स्ट बॉक्स में भी आपने सेम स्पेलिंग्स लिखने हैं। SEVEN, 7। ये बॉक्सेस आपको दिए गए हैं, इनमें आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, स्पेलिंग्स याद करनी। अब चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। यस, इसे भी काउंट करके देखते हैं ये क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। फिगर्स में काउंटिंग जब लिख रहे होते हैं आप तो ये क्या लिखा हुआ होता है? 8, 8। अब 8 को ही जब वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इस वर्ड? यस, ई आई जी एच टी, 8, 8, 8, ई आई जी एच टी, 8, 8। आपने इन बॉक्सेस के अंदर जिनमें दिखा रही हूँ आपने 8 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। 9, काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने स्टार्स हैं स्टूडेंट्स? ये 9। कितने हैं? 9, 9, 9 को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? एन आई एन ई, 9, एन आई एन ई, 9। अब देखें स्टूडेंट्स क्या लिखना है हमने। 10, क्या लिखना है हमने? 10। तो 10 के लिए पहले काउंट करके भी देख लेना कि ये स्टार्स 10 ही है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने स्टार्स हैं स्टूडेंट्स? ये 10। 10 में अब आप देखें, पहले आप सिर्फ यूनिट्स लिख रहे थे ना, अब टेंस भी आ गए। तो कितने टेंस हैं? 1, और यूनिट्स कितने हैं? 0। 1 10 और 0 यूनिट हो तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 10, 10, 10। 10 के स्पेलिंग कौन बताएगा जी? पढ़े मेरे साथ साथ। टी ई एन, 10, टी ई एन, 10, टी ई एन, 10, टी ई एन, 10। आपने क्या करना है, आपके पास ये आगे बॉक्सेस बनाए गए हैं, इनमें आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको 10 के स्पेलिंग्स भी याद हो जाए और आप टेस्ट भी बहुत अच्छा सा कर सके। अब चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। जी बेटा, इसमें क्या है? स्टार्स हैं। कितने हैं काउंट करके देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
टेन इलेवन, क्या पढ़ेंगे इसे हम? इलेवन 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 की स्पेलिंग्स क्या है स्टूडेंट्स? ई एल ई वी ई एन इलेवन ई एल ई वी ई एन इलेवन गुड. अब आगे देखें क्या है. ट्वेल्व ट्वेल्व काउंट करके देखें कि स्टार्स कितने हैं. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेल्व. कैसे लिखेंगे भाई? यस टी डब्ल्यू ई एल वी ई ट्वेल्व ट्वेल्व टी डब्ल्यू ई एल वी ई ट्वेल्व. आपने इन तमाम बॉक्सेस के अंदर 12 लिखने की प्रैक्टिस करनी है. अब आप एक बार फिर रिपीट कर ले मेरे साथ. हमने आज क्या सीखा? सबसे पहले सेवन सेवन सेवन. सेवन की स्पेलिंग क्या है? एस ई वी ई एन सेवन. आपने इन तमाम बॉक्सेस के अंदर प्यारा सा सेवन लिखना है. लेड पेंसिल यूज करनी है. आगे एट 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 के स्पेलिंग क्या है? ई आई जी एच टी एट. इस ब्लॉक में भी और इन बाकी तीन में भी आपने एट लिखने की प्रैक्टिस करनी है. अब नाइन क्या है ये? नाइन 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 की क्या स्पेलिंग? एन आई एन ई नाइन N I N E नाइन. ठीक है. अब पेज नंबर 21 को गौर से देखें. पेज नंबर 21 को क्या है यहाँ पे? टेन 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 के क्या स्पेलिंग है? T E N टेन T E N टेन. आपके पास ये जितने भी बॉक्सेस हैं इनमें आपने टेन लिखना है. ये क्या है? इलेवन इलेवन इलेवन. इलेवन के स्पेलिंग पढ़े? ई एल ई वी ई एन इलेवन ई एल ई वी ई एन इलेवन. ये क्या है? ट्वेल्व ट्वेल्व टी डब्ल्यू ई एल वी ई ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेल्व. आज आपने पढ़ा सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व. आई होप कि आपको इसके स्पेलिंग भी याद हो गए होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हो. स्टूडेंट्स आपकी उर्दू की HOD क्लास का आज 12वां दिन है. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ये से याला. ये से याला वो जो बहुत तेज तेज वाली बारिश हो रही होती है ना उसको हम कहते हैं याला बारी. ठीक है. याला ये से याला ये से याला ये से याला. फिर साथ पढ़ें ये से याला ये से याला. जी अब देखें रे रे जे और ये हम सारा पढ़ चुके हैं. आपने ना पेंसिल से इसके ऊपर पर लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. डियर स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ेंगे? छोटी शक्लें सीखी आइन गइन फे और काफ की. हमने छोटी शक्लें सीखनी है. ये आप अपने नोटबुक्स पे कर चुके हैं. यहाँ पर आपने दोबारा से लिखना है. अब तो आपको लिखना आ चुका होगा
चले, यहाँ पर आपने लिखना है ऐन की छोटी अशकाल, यहाँ गैन, यहाँ फे। ये देखें, हम इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ काफ, ये देखें, यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया, इस तरह से आपने काफ लिखा, उसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं। ये देखिएगा, ये आपकी काफ, ठीक है। ये आपने इस तरह कंप्लीट करना है, ऐन से ऐनक, गैन से गुब्बारे, फे से फवारा और काफ से गैंची। अब ये है मिलाइए, ठीक है। ऐन, गैन, फे और काफ को उनकी आदि अशकाल के साथ मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? ऐन को ऐन से मिलाया, गैन की आदि शक्ल देखी, ये है ऐसे, फे एक उसकी आदि शक्ल के साथ मिला दिया और काफ को उसकी आदि शक्ल के साथ मिला दिया। इस तरह आपका आज का सब काम ये वाला मुकम्मल हो गया। 12वें दिन में हमने अपनी नोटबुक्स पे क्या काम करना है? हमने लिखने हैं सब्जियों के नाम, ठीक है, सब्जियों के नाम। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आलू। आलू देखें, आप पहली बार लिखेंगे ना, इससे पहले तो हम लोगों ने हरूफ तहज्जी लिखे, फिर छोटी अशकाल सीखी, अब हम डायरेक्ट जब अल्फाज पर आ जाते तो हम थोड़ा सा तो मुश्किल होगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल आराम से, मैं आपको मैच करके बताऊंगी कैसे लिखते हैं, आपस में लफ्ज कैसे जोड़ते हैं, सॉरी हरूफ कैसे जोड़ते हैं, उस तरह से आप लिखेंगे। ये देखें, सबसे पहले हमने लिखा अलिफ मद आ, ठीक है। फिर देखें आधा लाम, लाम की छोटी शक्ल बनाई, उसके साथ जब हमने वाव बना दिया, ये देखें कितना आसान है। आलू दोबारा लिखते हैं अलिफ मद आ, देखें लाम की छोटी शक्ल बनी, साथ में वाओ, आलू अलिफ मद आ, ये देखें छोटा सा लाम और इस लाम के साथ हमने वाओ जोड़ दिया, क्या बन गया? आलू, आलू। इस तरह से आपने पूरे सफ़े पे नीचे नीचे लिखते जाना है, इसको पढ़ना है और आपने अच्छी तरह इसको याद करना है। जी स्टूडेंट्स, डे 12 हमारा स्टार्ट हो रहा है। डे 12 पर हम क्या करेंगे? पेज नंबर 4 पर जो ये पिक्चर्स दी हैं, इनमें कलर्स करेंगे। कलर द पिक्चर्स, मैच देम विद द सेंटेंसेस। अब इन पिक्चर्स को हमने इन सेंटेंसेस के साथ मैच करना है, देखिए कैसे। पहला है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये देखिए, ये इस पिक्चर नंबर 3 में इस बच्चे की कुछ चीजें टूट गई हैं इस बच्ची से, तो वो कह रही है उसको आई एम सॉरी, तो आप इसके साथ 1 लिख देंगे इस पिक्चर के साथ, क्योंकि 1 पे लिखा है आई एम सॉरी। नंबर 2 पे देखिए, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, इसका मतलब है कि आपका क्या हाल है। तो ये देखिए इस पिक्चर में ये बच्चियां एक दूसरे से हाथ मिला रही हैं और एक दूसरे का हाल पूछ रही हैं, तो इस पिक्चर के साथ आप नंबर 2 लिख देंगे, ये नंबर 2 सेंटेंस से मैच कर रहा है। नंबर 3 पे देखिए, मे आई हैव वन, मे आई हैव वन, मे आई हैव वन। ये बच्ची अपने वालिद से कह रही है कि इन कलरिंग बुक्स में से क्या मैं एक ले सकती हूं, तो इस पिक्चर के साथ आप नंबर 3 लिख दीजिए, क्योंकि नंबर 3 सेंटेंस से मैच कर रहा है। अब आपने आज के दिन में एक तो ये मैच कर लिया, दूसरे इन तीनों पिक्चर्स में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से आपने कलर्स करने हैं। आज के दिन में आपकी सिर्फ ये एक्टिविटी है। सबसे पहले मैं एडवाइस दूंगी कि जब भी आप बच्चों को लिखना शुरू करवाएं तो उन्हें कुछ चीजों की पहले से प्रैक्टिस करवाएं, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ज़िगज़ैग और कर्व्स। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये प्रैक्टिस करने से फायदा ये होता है कि बच्चे को लिखने में बहुत हेल्प हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वन, वन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। वन, अब कई जगह पे इस तरीके से वन बनता है, कई जगह पे बनता है स्लांटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। तो वन दोनों तरीके से बन सकता है, वन स्टैंडिंग लाइन से भी बनता है और स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन इस तरीके से भी बन सकता है। अब इसके लिए हम लोगों ने यूज किया है स्टैंडिंग लाइन का, तो अगर बच्चे को स्टैंडिंग लाइन पहले से आती होगी तो बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाएगा वन लिखना। तो हमने बनाया स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, वन। नेक्स्ट इज टू, टू के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक कर्व बनाना है और फिर बनानी है स्लीपिंग लाइन। टू, मैंने बनाया कर्व और बनाया टू। इस तरीके से हम बच्चे को सिखाएंगे
पहले कर्व बनाना और फिर स्लीपिंग लाइन बनाना, टू। इसके बाद हम लोग सिखाएंगे थ्री। थ्री के लिए मैं क्या करूंगी, टू कर्व बनाना सिखाऊंगी। कर्व मैंने बनाया टू कर्व, वन टू, ये बन गया है हमारा थ्री। मैंने बनाए टू कर्व और इससे बन गया है थ्री। कोशिश हमें यही करनी है, बच्चे को हमेशा लिखना स्टार्ट कराते वक्त प्लेन शीट्स पे लिखवाना है, इससे बच्चे को कोई बाउंडेशन नहीं होगी और आपको भी ज्यादा टेंशन नहीं होगी कि उसने अभी छोटा लिख दिया, बड़ा लिख दिया, ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया, इस तरह की टेंशन आपको भी नहीं होगी। अब लिखते हैं फोर। फोर के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया फोर। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, फोर मैंने बनाया, स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्टैंडिंग, ये बन गया है फोर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे फाइव, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और बनाएंगे कर्व। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और बनाएंगे कर्व। तो आप समझ गए होंगे अब कि अगर बच्चे को पैटर्न्स क्लियर हैं तो उनके लिए नंबर्स लिखना कितना इजी हो जाएगा। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व, तो ये बन गया है फाइव। सिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व बनाएंगे और उसको अंदर ले जाके ज्वाइन कर देंगे। तो हमने क्या किया, कर्व बनाया और उसको अंदर ज्वाइन कर दिया। सिक्स कैसे बनाया, मैंने कर्व बनाया और फिर अंदर ले जाके ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया हमारा सिक्स। सेवन के लिए हम लोग करेंगे स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन, ये बन गया है सेवन। स्लीपिंग, स्लांटिंग, सेवन। अब हम लिखना सीखेंगे एट। एट के लिए हम लोग जो बड़े लोग होते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, बच्चों से इस तरीके से बनना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों को हम लोग सिखा सकते हैं सर्कल और एक और सर्कल, एट। इस तरीके से बच्चा बहुत इजीली बनाता है, उसके लिए टर्न करके बनाना मुश्किल हो जाता है, तो इस तरीके से हम सिखाएंगे एट। सर्कल और एक और सर्कल, एट। तो हमने बनाए टू सर्कल, ये बन गया हमारा एट। सर्कल की हेल्प से बनाना सीखा है हमने एट। इसी तरह हम नाइन को भी सर्कल से बना सकते हैं, पहले सर्कल बनाएंगे और एक बना देंगे स्टैंडिंग लाइन, नाइन। हमने बनाया सर्कल और बनाया स्टैंडिंग लाइन, नाइन। टेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वन बनाना हमने सीखा था स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की हेल्प से, और उसके साथ बना देंगे सर्कल, तो ये बन गया टेन। जब बच्चा प्लेन पेपर पर लिखना सीख जाएगा उसके बाद हम उसके लिए बिग बॉक्स कॉपी लेंगे। इसमें हम बच्चे को इस तरीके से डॉट्स बना के दे सकते हैं ट्रेस करने के लिए, वन टू, प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से। और अगर बच्चे को आ गया है तो वो सीधे बनाना शुरू कर सकता है इस तरीके से, वन टू थ्री लिखना प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता है, वन टू थ्री। इस कॉपी की फायदा ये है कि ये इसमें बॉक्स का साइज इतना बड़ा है कि बच्चे को परेशानी नहीं होती स्टार्ट करने के लिए। ये नॉर्मल कॉपी से इसमें एटलीस्ट 5 या 10 times मुझे बड़ा लगता है इसका बॉक्स का साइज, तो बहुत ईजी हो जाता है इसमें बच्चे के लिए लिखना। जब बच्चा इसमें लिखने लगे इसके बाद हम छोटे बॉक्स की कॉपी को इंट्रोड्यूस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब खैरियत। उर्दू के हरूफ बोलना तो हमने कई वीडियोस में सीखा है, आज हम सीखेंगे उर्दू के हरूफ लिखना। इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए और जल्दी आप उर्दू के हरूफ लिखना भी सीख जाओगे। एक किताब और कलम ले आइए और इस वीडियो के साथ साथ गौर से इस हाथ को देखिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि जल्दी आप आसानी से सीख जाएं। तो जाइए एक किताब और कलम ले आइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। अगर आपको उर्दू के हरूफ बोलना नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप दोनों सीख जाओगे। हो गए तैयार, चलो शुरू करें। अलिफ, 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 अलिफ मद आ,
अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, बे, 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 पे, 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 ते, 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 से, 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 जीम, 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 चे, 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 है, 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 दाल, 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 जाल, 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 रे, 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 अरे, 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 जे, 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 सीन, 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 शीन, 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 सौद, 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 ज़ौद, 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 तोय, 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 ज़ोय, 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 एंड,
एंड एन रैन 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 फे 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 قاف 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 كاف 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 قاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 واو 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 چھوٹی ہے छोटी है छोटी है दो चश्मी है दो चश्मी है दो चश्मी है हमजा 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 छोटी ये छोटी ये छोटी ये बड़ी ये बड़ी ये बड़ी ये तो दोस्तों ये थे उर्दू के हरूफ लिखने का तरीका।